दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में पर्युषण पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जैन समुदाय में प्रतिवर्ष होने वाले पर्युषण पर्व का शुभारंभ रविवार से हो गया है। 10 लक्षण पर्व प्रथम दिवस उत्तम क्षमा के अवसर पर मनशापुर मुरादनगर से आचार्य प्रसन्न सागर महाराज ने कहा कि क्षमा आत्मा का सर्वश्रेष्ठ गुण है। जीवन में अहम भाव के चलते हुई गलतियों को सुधारने का एकमात्र उपाय यही है कि हम शुद्ध अंतकरण से अपनी भूल चूक को स्वीकार करके अपने और सबके प्रति विनम्रता का भाव मन में जगाएं और मन को शुद्ध करते हुए सभी से माफी मांगें। मन के वैर भाव से विसर्जन करने के इस अवसर को हम खोने न दें। इसका लाभ उठाते हुए सभी से क्षमा याचना करें ताकि हमारा मन और आत्मा शुद्ध हो सके, साथ ही दूसरों के मन को भी हम शांति पहुंचा सकें। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। आज दशलक्षण पर्व के प्रथम दिवस प्रतिष्ठाचार्य नीरज जैन शास्त्री के निर्देशन में प्रथम दिन शांति धारा के पूर्णियाजर्क शिला में नरेश जैन, सुशीला जैन, अभिषेक जैन, रुचि जैन का परिवार रहा। 10 दिन के लिए 10 लक्षण विधान का मंडला में 5 कलश स्थापित हुए हैं। मुख्य कलश महिला जैन अध्यक्ष नीलम जैन व 4 अन्य कलश मंत्री शिखा जैन, पूजा जैन, अंशु जैन, मृदुला जैन ने स्थापित किए हैं। दीप प्रज्वलन दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जैन ने किया। संजय जैन, पंकज जैन व अनुज जैन ने परिवार के साथ प्रातः विधान में बैठकर पूजा अर्चना की। दिगंबर जैन समाज के मंत्री पंकज जैन, उपमंत्री अशोक जैन, शशांक जैन, सचिन जैन ने मंदिर में व्यवस्था बनाने में सहयोग किया। बड़ी दशलक्षण धर्म की जय। पर्युषण पर्व की आज पहला धर्म क्षमा धर्म और कोरोना के कारण जो आज यहाँ हजारों लोगों की भीड़ होती है, हमारे स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, आए हुए अतिथिगण, बाहर से आए हुए मेहमान, वो आज कुछ भी नहीं है और सूना सूना सा नज़ारा है। निश्चित रूप से कोरोना महामारी से बचाव का और सरकारी निर्देशों का अनुपालन करना ही है और सबको अपने को स्वस्थ भी रखने की जिम्मेदारी हर एक के ऊपर अपनी अपनी है। इसीलिए आज सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ सुबह भी पूजा हुई है और अभी भी लोग एक एक दो दो चार चार लोग आएंगे, आरती करेंगे, ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के सभी परिवार से ऐसा आग्रह करता हूँ कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और अपना बचाव करते हुए निश्चित रूप से पूजा और अर्चना करें, आरती भी करें, जो भी कार्यक्रम है वो करें, अपने व्रत और तप भी रखें और कोरोना से अपना बचाव भी करें। ये एक मुश्किल समय है और ये ख़राब दिन है और मुझे लगता है भगवान की कृपा रहेगी जो तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हमेशा रहती भी है। जल्दी ही इस बड़ी बीमारी से हम न केवल विश्वविद्यालय के सभी परिवार को बल्कि पूरे शहर को और पांचों जिलों की जो हमें जिम्मेदारी दी गई है कोरोना को अपनी कमिश्नरी से भगाने की, उसमें हम कामयाब होंगे और जल्दी ही हम कोरोना को हराएंगे और फिर ज़िंदगी वैसे ही वापस आएगी जैसे हमेशा से थी। मैं पुनः आप सभी को दशलक्षण पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने सभी एम्प्लॉयज़ को कि ये दशलक्षण पर्व आप सबको बहुत बहुत शुभ हो और हो सकता है कि इस दशलक्षण पर्व के बाद ही हमारी पूजा और अर्चना के प्रभाव से ये कोरोना भी अब डाउनवर्ड टेंडेंसी की तरफ आगे बढ़े। बोलिए पुनः भगवान महावीर स्वामी की जय।